जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं एकता सिंगला स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। दोस्तों, हम जैनिज्म और साइंस के बारे में हर रोज बात करते हैं, जिसके 15 तत्व हैं, जिनमें से हम आपको 8 तत्वों के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे 9वां तत्व, और वह है सामायिक जैन। जैन धर्म में ईश्वर की साधना और स्वयं चिंतन को सामायिक का नाम दिया गया है। जैन धर्म मानता है कि सामायिक या स्वध्याय करने से मनुष्य का जीव शांत भाव में चला जाता है। इसी तरह विज्ञान भी आज ध्यान और मेडिटेशन को बहुत महत्व दे रहा है। विज्ञान मानता है कि ध्यान करने से हम हाईली स्टेबल स्टेट में चले जाते हैं। ध्यान करने से हमारा मानसिक तनाव व थकान दूर होती है। हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य कार्य पर ही केंद्रित रहता है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। अपनी मांगों के चलते बठिंडा सिविल अस्पताल में NRHM के कर्मियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, साथ ही पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सरकार बनने से पहले पंजाब सरकार ने उनसे वायदा किया था कि उन्हें पक्का किया जाएगा, मगर अभी तक उन्हें पक्का नहीं किया गया, जो कि उनके साथ नाइंसाफी है। कोरोना काल के दौरान हम फ्रंट लाइन में होकर काम कर रहे हैं, इसके बावजूद सरकार हमें धमकियां दे रही है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। हमारी सरकार से यही मांगे कि हमें पक्का किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में संघर्ष और भी तेज किया जाएगा। जी मैम, की नाम है केड़े अपने? मेरा नाम डॉक्टर कमल है, बालावली तो डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। असी इन्ने दिनों दे स्ट्राइक कर रहे हैं, पर सरकार साडा साथ नहीं दे रही, सानू उल्टा ये तोड़न की कोशिश कर रही है, पर असी कदे भी टुटांगे नहीं। अज सारे कल सानू अल्टीमेटम आया सीगा भी तुहानू टर्मीनेट किया जाऊगा। टर्मीनेट करन दे बावजूद भी मतलब स्टेट दे इन्ने जिलों दे विच पुरजोर स्ट्राइक चल रही है, जिदे विच सारे कैडर हिस्सा लै रहे आ। जे 9000 असी टोटल दसदे आ भी कैडर ने, पर उहदे विचों कह लो 7-8 हज़ार भी कैडर साढ़े नाल ने, जिहड़े कि लगातार स्ट्राइक ते बैठे हुए आ। मेरी सरकार नू यही गुजारिश आ कि तुसी साढ़े नाल नाल लोगों का भी भला चाहते हो, सानू पता है। इसलिए हुण तुहानू भी पता वैक्सीनेशन पीरियड स्टार्ट होने वाला है, जिहड़ा कि 18+ वाले दा है। इसलिए उन्होंने कोई धक्का ना होवे, साढ़े ना कोई धक्का ना होवे, साडी इक्को ही गुजारिश आ, तुसी साडी गल नू मन लो, बजाए ये कि सानू अज टर्मीनेट किया जाए। सानू ये कल दियां मतलब नोटिफिकेशन आ रही आ भी तुसी बस जल्दी तो जल्दी ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुहानू टर्मीनेट कर दिता जाएगा। तुसी ये देखो भी ये साढ़े ना किन्ना क मतलब अन्याय आ। जे तुसी चाहुंदे हो साडा ये उपर साढ़े कोर्ट कमेटी की चल रही है मीटिंग, उन्होंने जे मतलब साढ़िया मंगा नहीं मानते फिर इस तो भी ज़्यादा तिखा संघर्ष होगा, वो शायद असी भी रोकना चाहिए, तभी नहीं रुक सकता। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। जहां पंजाब में कोरोना संकट सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है, वहीं कुछ रोगी स्वास्थ्य विभाग और क्षेत्र के निवासियों के लिए भी सिरदर्द बन गए हैं। इसका एक उदाहरण गुरदासपुर के जिला कालाबाला गांव में देखने को मिला, जब एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट मिलने के बाद गाँव की डिस्पेंसरी में पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घबरा गए। घटना के पूरे क्रम का वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें वह शख्स कोरोना का शिकार पाया गया था। जब कोरोना पॉजिटिव होने की खबर उसके और उसके परिवार के सदस्यों तक पहुंची, तो वह बुरी तरह से उदास हो गए और रात को घर से निकल गए। संपर्क करने पर उस व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी बेटी के साथ घर पर रहता है, लेकिन बीमारी के कारण बहुत परेशान है। उसने पंजाब सरकार और स्वास्थ्य विभाग से समय पर उचित उपचार प्रदान करने की अपील की। पीड़ित कालावाला डिस्पेंसरी के पास पानी की टंकी पर चढ़ गया, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों ने जब घर और कालावाला गांव में उसकी तलाश जारी रखी जब उन्हें सूचना मिली तो वे तुरंत पीड़ित के पास गए, जहां उन्होंने कहा कि सुबह से उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, और यह भी कहा कि उस व्यक्ति को अब कुछ दिनों के लिए घर पर रखा जाएगा। लेकिन दूसरी ओर कोरोना पीड़ित का कहना है कि उसका अस्पताल में इलाज किया जाना चाहिए या डिस्पेंसरी में कमरा दिया जाना चाहिए। तो घर जाके इन्होंने जो सवेरे इन्होंने फोन किया वा तो ये कहें भी मैं घर ही हाँ, मैं तो इतने डिस्पेंसरी आ चलिया वा। मुड़ के बाद रो के मैं फोन करके ये गल दसी भी मेरी कुड़ी ने मैनू घरों कढ़ता वा, मैनू घर नहीं बन देंगे, मेरी मैं कखों हौला हो गया वा। फिर असी जाके डॉक्टर जगजीत सिंह गल की, उन्होंने दसिया कि आह प्रॉब्लम आ तो की किया जा सके। इन्हें आख्या भी एक बार जाके तुम ये घर पुछो तो की कहें, वो कुड़ी ने अजे भी नाल मेरे दूसरा मुलाजमी आवाजा मार मार के थक गुआढ़ी भी दो कट्ठे किए, पर उन्हें दरवाजा नहीं खोलिया। वो कहें मैं कली हाँ घर, मैं दरवाजा नहीं खोलना। फिर मैं क्या तुम अपने प्यो न क्यों घरों बहर क्या
अगे तो देखो की किया जा सकता है। कल शाम मैनू दसा मैसेज के उत्ते भाजपा आया सू मैसेज जो आठ बजे आया। हाँ जी तो मैं उदो तो ही कुछ तो रिश्तेदार कुछ इन्हों इन्होंने रात फोन किए इन्ह के नंबर नोट किए फोन करके क्या कोई 7 बजे इन्होंने घर गए। हां हां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ खत्म हुई कानून प्रोवाइड करके देनी सी कानून गए मुड़ के बाद घर गए इन्हें सानू ये गल करके फोन ते कहा मेनू घर दया ने घरों बहर कड़ता वा मेनू डिस्पेंसरी च कमरा दे दो अजा तेन डिस्पेंसरी च कमरा नहीं मान ली गल सारी गल कहिंदा मैं सवेर का 8 बजे का टैंकी दे बैठा पानी वाली पानी वाली टैंकी तुहाडी डिस्पेंसरी च तुसीं उहनूं घर लभ रहे हो घर जाके वेख्या कुड़ी ने फिर भी दरवाजा नहीं खोलिया। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से बचने के लिए जहां बार बार सामाजिक दूरी का ध्यान रखने की अपील की जा रही है, वहीं जलंधर से विधायक रजिंदर बीरी और सुशील कुमार रिंकू आज रौनक बाजार में अपने ही सरकार के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाई, जबकि विधायक रजिंदर बीरी लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों की व्याख्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ स्वयं दिशा निर्देशों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं यह देखने की बात है, क्योंकि जब कोई आम आदमी सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की उल्लंघना करता है तब पुलिस की तरफ से उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब सरकार के ही कुछ नुमाइंदे सरकार के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हैं तो क्या उन पर कार्रवाई होगी। आज रैनक बाजार, शेखा बाजार, ब्रांडर रोड, पीर बोलना बाजार जिहड़े के कोविड-19 करके पिछले एक हफ्ते तो बंद पए सीगे और अज सारे बाजार खुले है और अज जो बाजार वाले ने मान सम्मान मैनू और साढ़े साथी MLA रिंकू जी नू शहरी चड्डा जी नू दिता है मैं इन्हों का तहे दिलों धन्यवाद करता और खास तौर पर अपने व्यापारी भरावों नू यही रिक्वेस्ट करता कि इस वेले बड़ा भयानक दौर चल रहा कोविड वाला आपां सारे थोड़ा ध्यान नाल करिए जो भी गाइडलाइन ने सरकार दी उस गाइडलाइन नू जरूर अपनाइए क्योंकि इस वेले जिस तरीके जानी नुकसान हो रहा है आपां व्यापार तो पहला भी अपनी जान वाल देखिए लेकिन व्यापार भी जरूरी है इकनोमिकल आर्थिक तौर पर भी अभी पिछे जा रहे थे जो पंजाब सरकार ने कहा कि आप तीन तीन चार चार घंटे जिहड़ियां अपनी दुकाना खोल के अपना व्यापार कर लीए आप व्यापार भी जरूर करिए लेकिन करोना के बारे भी जरूर सोच के चलीए। तो मैं अज सारे बाजार वालों का तहे दिलों धन्यवाद करता और आस करदा कि पंजाब सरकार दियां दित्तियां गईयां कोविड दियां हदायतां दे नाल चल के ही अपने बाजार नूं चलाण। धन्यवाद। जलंधर से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पठानकोट हल्का भोआ के अधीन पड़ते गांव
अंतोर में MKM माता कालसा मेमोरियल स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन श्री गुरु रविदास सभा अंतोर के प्रधान बलवीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के रूप में स्वामी गुरुदेव गिरिजी महाराज, विशेष तौर पर हल्का विधायक जोगिंदर पाल उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान जोगिंदर पाल द्वारा माता कालसा मेमोरियल स्कूल की इमारत के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये दान में दिए गए। इमारत के निर्माण कार्य का उद्घाटन स्वामी गुरुदेव गिरि महाराज द्वारा किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम श्री गुरु रविदास महाराज जी का नाम सिमरन करते हुए अरदास की गई और नींव पत्थर रखा गया। इस दौरान स्वामी गुरुदेव गिरि महाराज जी ने कहा कि यह स्कूल गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए खोला गया है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बच्चों को शिक्षा दी जाती है, और श्री गुरु रविदास महाराज और डेरा स्वामी जगत गिरि जी महाराज पठानकोट की तरफ से सीमावर्ती क्षेत्रों में यह स्कूल खोला गया है ताकि दलित समाज के बच्चों को पढ़ने लिखने में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज को संदेश दिया है कि अगर हमें तरक्की करनी है तो आने वाले पीढ़ी को ज़रूर शिक्षित करना होगा, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो इंसान को तरक्की की राह पर आगे ले जा सकता है, इसलिए हमें अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करना चाहिए। वहीं उन्होंने विधायक जोगिंदर पाल के प्रयासों को सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि भगवान इन्हें और इनके परिवार को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, ताकि वह इसी तरह समाज में सेवा कर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करते रहे। वहीं इसी दौरान विधायक जोगिंदर पाल ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और कहा कि वह हमेशा ही हल्के के लोगों की सेवा करना अपना फर्ज समझते हैं, जिसके लिए वह दिन रात लगे हुए हैं। सारियां संगतां नूं जय गुरुदेव। अज पिंड अंतोर मिर्जापुर ते रतड़मां दे विचकार जो MKM स्कूल बनिया होया है, उहदे विच कमरियां दी थोड़ पै रही सी। इस हलके दे MLA श्री जोगिंदर लाल जी, उन्हां ने अपार बख्शिश कीती इस नगर निवासियां दे उपर। उन्होंने अपनी पॉकेट दे विच्चों 5 लाख रुपया दिता, ते नाल ही उन्होंने भरोसा दवाया कि होर भी मैं मदद करांगा तां कि बच्चे जिहड़े है वो सही पढ़ सकन, उन्होंने सही सुविधा मिल सके। नाल जिथे 2 क्लासरूम हैं उत्थे नाल ही एक वधिया लाइब्रेरी भी उन्होंने बनाउण लई इन्हां नूं क्या है। तो सतगुर दे चरणां च बेनती है, पातशाह बख्शिश करना, किरपा करना। MLA जोगिंदर पाल दी सेस हमेशा तंदुरुस्त रहे तां कि वो इसी तरह सेवा करदे रहन। जय गुरुदेव, जय गुरु, जय गुरुदेव, जय रविदास। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज MKM स्कूल दे विच एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर भीम राव के नाँ के उत्ते लाइब्रेरी जी बनाई जा रही है और कुछ कमरे भी बनाए जा रहे हैं। ये स्कूल साड़ी संस्था का स्कूल है और महाराज की इतने गुरदीप गिरी जी की बहुत स्कूल के उत्ते अपार कृपा है। तो मैं श्री गुरु रविदास महाराज अगर प्रार्थना करता सारिया संगतों के उत्ते मेहर भरिया हथ रवे और सारे ही लोग जिहड़े है वधिया तरीके दे नाल जिहड़ी है महामारी चलती पई है इहदे तो भी बचन, अपने आप नूं भी बचाउण ते लोकां नूं भी बचाउण। बाकी रह गई स्कूल दी गल, स्कूल दे जिथे ना मेरी ड्यूटी लगाई है महाराज जी ने, बिल्कुल भी मैं एक पैसा भी पिछे नहीं हटदा। जो भी मैनूं कहणगे उह मैं करन नूं तैयार हाँ, पर लोकां अगे मेरी बेनती है अपने बच्चों नूं वध तों वध पढ़ाओ। और अज हालात जिहड़े है देश दे छड़ के वर्ल्ड दे बहुत खराब है, वर्ल्ड दे उत्ते बहुत महामारी जिहड़ी है चलदी पई है। अज बंदे तो बंदा डर रहा है, ये क्यों डर रहा है? डरन दा रीज़न है अज असीं अपना कल्चर भुल चुके हैं। कोई भी इंसान अपने माँ प्यो की सेवा नहीं कर रहा, कोई भी भैन भरा एक दूजे तो गल नहीं सहन कर रहा। तो ये जिहड़ी बीमारियां आ रही ने ये रब ने इस वेले ये दस दिता भी मैं भी कुछ हैगा, साइंसदान जी सारे फेल हो चुके ने। इस करके मेरी बेनती है रब नू मनो, भगती करो, माँ प्यो की सेवा करो, भैन भरावां दे आखन दे उत्ते लगो। और जो देश की गाइडलाइन है, जो सूबे की गाइडलाइन है, उन्होंने सारे लोग जड़े अपना
और अपने आप नूं बचाण ते लोकां नूं बचाण बहुत बहुत सारे दा थैंक्स है। जय गुरुदेव। पठानकोट से अलोक कुमार की रिपोर्ट। जहां कुछ लोगों ने कोविड के चलते लॉकडाउन के समय को खा पीकर और सोकर खराब किया, वहीं दूसरी ओर लुधियाना डुगरी फेज 2 HIG में रहने वाली स्वाति शर्मा ने बताया कि उन्होंने कैसे कोविड-19 के चलते हुए घर में रहकर ही कुछ ऐसा किया जिससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि उनके कॉलेज भी बंद पड़े हैं और वे MA इंग्लिश की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से ऑनलाइन कर रही हैं और वे गाने और एक्टिंग का भी शौक रखती हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जो लोग कोविड-19 के दौर में खा पीकर या सोकर समय खराब करते हैं, मैंने इस समय में अपना नया सॉन्ग तैयार किया जिसकी कुछ लाइनें ऐसी हैं। खोई सी क्यों मैं रहने लगी हूँ यूं। पहले भी मेरा गाना T-Series कंपनी ने शूट किया है और मैं आगे अपने करियर में मॉडलिंग के साथ साथ IAS अफसर बनना चाहती हूँ। यह मेरे दिल की तमन्ना है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आपका नेम? स्वाति शर्मा। तो मिसेज स्वाति शर्मा, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के करके स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, तो आपका क्या प्रोफेशन है? आप घर पे बैठ के मतलब कैसे स्टडी कर रहे हो? क्या मैं MA इंग्लिश कर रही हूँ और ये क्लासेस चल रही है मेरी ऑनलाइन, एंड बहुत ही यूज़फुल हैं ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि जो हम बाहर जाके कोविड के कारण नहीं कर पा रहे परफॉर्म, वो हमें टीचर्स हैं जो अवेलेबल कर रहे हैं क्लासेस, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। ओके, और इसके साथ साथ आप कुछ और भी कर रहे हैं? हाँ जी, मैं एक्चुअली मॉडलिंग फील्ड में हूँ जहाँ पे मेरे शूट्स होते हैं, और मैंने एक दो गानों में शूटिंग भी की है। व्याह वाला गाना जो आपने आई थिंक देखा भी होगा सबने, T-Series का है, बहुत ही अच्छा गाना, अगर नहीं देखा तो आप अभी देखिए। क्या प्रोफेशन है आपका, क्या आपने अब तक किया है? क्या मैंने गाना लॉकडाउन में जैसे लोग होते हैं सोकर या खा कर टाइम वेस्ट करते हैं, मैंने वैसा बिल्कुल नहीं किया टाइम वेस्ट। मैंने एक बहुत ही बेहतरीन गाना लिखा है जो कि बिल्कुल मेरे द्वारा लिखा गया ही है वो, और मैं आपको उनमें से दो लाइनें सुनाना भी चाहूँगी। हमारे दर्शकों को दो बोल थोड़े गाके सुनाइए। हाँ जी। खोई सी क्यों मैं रहने लगी हूँ तेरे लिए, रोई भी बहुत हूँ, तेरी याद जो आए तो निभाना मैं पाऊँ, तेरे किए सब वादों को निभाना मैं पाऊँ, पर तू बेवफा तुझको खुदा क्यों मानूँ, तू बेवफा तुझको खुदा क्यों मानूँ। जी, ये मेरा पहला गाना है जो मैंने खुद लिखा है, और इसकी जो ट्यून है वो भी मैंने खुद ही सोची है। भविष्य में आगे और क्या करना चाहोगे आप? ऐसे तो मेरे बहुत प्लान्स हैं, एक मेरा ड्रीम हाउस है कि मैं खुद के पैसों का एक ड्रीम हाउस बनाऊं और अपने पेरेंट्स को वहां पे रखूं अपने साथ, और स्टडीज़ में मेरा ये प्लान है कि मैं IAS बनूं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। कैसे आपने सोचा, कैसे आप इस लाइन में आया, कैसे आपने करियर की शुरुआत की अपने प्रोफेशन की? एक्चुअली ऐसे बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था इस चीज़ में, तो एक जैसे सबका एक ड्रीम होता है तो वैसे एक मेरा भी था कि मैं प्रोफेशन तो नहीं बट इसको एज अ शौक जरूर करूँ। लुधियाना से सोनी यादव के साथ विकास भांभरी की रिपोर्ट। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 साल आगमन पर्व को समर्पित दशमेश यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब और द रेड फाउंडेशन NGO एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से विशाल खूनदान कैंप का आयोजन 9 मई दिन रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स एसोसिएशन गिल रोड लुधियाना में किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हुण तक नौजवान ने जिहड़ा खून दान कर चुके ने, हुण तक मैम शुरुआत ही हुई है, घट्टो घट 10-15 बंदे ते आ चुके ने, बाकी हौली हौली आ रहे ने क्योंकि लॉकडाउन भी आ उसते कोविड नूं भी असीं मद्देनज़र रखदे होए आपां सब सारा कुछ मतलब उहदे थ्रू बंदे आ रहे ने, बाकी ते बाकी आस है कि घट्टो घट 200-300 दे करीब साडे कोल जिहड़ा यूनिट गैदरिंग हो जाऊगी। ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੀਮ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ? ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਘੂਨਾਥ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆ ਇਹ ਟੀਮ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੂਥ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਊਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਇੱਕ
पता की गल अपनी बीमारियों के समय समय सिर पता लगता रहता जो ब्लड डोनेशन बंदा करता तो वो यूथ में यही कहते हैं कि जे साडे कोल जवानी चंगी होगी असी चंगे तगड़े होवांगे तां ही ब्लड दे सकते हैं। इस करके नशे के जिंदगी ना गालो, असी जिहड़ा अपना रक्तदान जिहड़ा खूनदान वो लोगों की जिंदगी बचाने लिए बहाओ ना कि लड़ाइया करके। तो बाकी ये जिहड़ा ये साडा जिहड़ा खूनदान कैंप है पहला साढ़े दशमेश यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब वालों करवाया जा रहा बलजीत सिंह कालानंगल की अगवाई हेठ करवाया जा रहा। तो होर यह जिहड़ा ब्लड कैंप आ जिहड़ा मेन मोटिव यह कि गुरु तेग बहादुर जी शताब्दी दिवस चल रहा 400 साल उसनू समर्पित यह ब्लड खूनदान कैंप लवाया जा रहा क्योंकि सानू खून आउंदे सीगे कई बार क्योंकि असी ब्लड की सेवा उदा करते हैं जो साढ़े मतलब डोनर पहली बार असी खूनदान कैंप लवाया तो ये असी जो कि देखिया कि हाँ हॉस्पिटलों के खून की कमी आ क्योंकि खून भी ब्लैक जे बहुत विकन लग पाया इस करके उस मद्देनज़र रखते हुए असी ये खूनदान कैंप लवाया ताकि लोगों जोड़े लौटमंद परिवार ने प्रैगनेंसी के ने कई होर चीज़ों की लड़ को पूरा करने लिए यह जो खूनदान उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिता जाए तो इस रैड फाउंडेशन जी टीम पहुँची हुई है बहुत साडा सहयोग दे रही है। तो बाकी देखते हैं परमात्मा दे नाल किन्नी की गैदरिंग होंदी है किन्ना कि ब्लड मतलब आउंदा है। तो बाकी यही है सारे वीरां नूं कि वध तों वध पहुंचिया करो इदां दे खूनदान कैंपां 'च जे खूनदान करांगे तां ही किसी की जान बचा सकांगे असीं। सो गलबात करदे निपुण शर्मा जी नाल जो कि रैड फाउंडेशन वैलफेयर सोसायटी के चेयरमैन ने कि उन्हां दा इस कैंप विशाल खूनदान कैंप के बारे की कहना। हाँ जी सर, ये द रैड फाउंडेशन NGO ते दशमेश यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब वालों सांझे तौर पर जिहड़ा कि विशाल खूनदान कैंप गिल रोड लुधियाणा लई लगाया गया है। बेसिक साडा मोटिव यही है कि थैलासीमिया बच्चों के लिए जी की है कोविड के करके कैंप नहीं लग पा रहे थे तो असी विद DC साहब की परमिशन तो सिविल सर्जन मैडम की परमिशन के नाल ये कैंप लगाया ताकि जी कि खास करके थैलासीमिया के बच्चे है जिन्होंने हर 15 दिन बाद 2 यूनिट की रिक्वायरमेंट हैगी है उन्होंने लिए जिहड़ा कि ब्लड बैंक के ब्लड नहीं सगा सो असी कोशिश है इसी करके असी सिविल की टीम भी स्पैशल इतने बुलाया ताकि थैलासीमिया के बच्चों के लिए जिहड़ा कि है खास तौर पर प्रबंध किया जा सकता कैंप के थ्रू। तो असी यूथ नूं अपील करते हैं कि वध तों वध साडे विच घर पहुँचो ब्लड डोनेट करो। हुण तक साडे अराउंड 20 डोनर्स जिहड़े कि इत्थे ब्लड डोनेट कर चुके हैं तो साडा 150 का टारगेट हैगा। तो मैं युवा पीढ़ी नूं खास करके बेनती करदा कि साडे नाल आके जुड़ो क्योंकि 18 साल तो लैके 65 साल तक की उम्र का हर सेहतमंद व्यक्ति 3 महीने बाद जिहड़ा कि ब्लड डोनेट कर सकदा यानी कि साल 'च 4 वारी। सो अगर 18 साल की उम्र तो युवा साडे नाल जुड़ के 65 साल तक ब्लड डोनेट कर सकता है सब तो ज़्यादा तो सब तो लंबी सेवा वो कर सकता है। इस करके असी उम्मीद करते हैं तो बेनती भी करते हैं कि जिहड़े आ नशे आ शराब दे या होर गंदे नशे त्यागो तो जिहड़े सेवा का नशा है उहदे नाल जुड़ो ताकि सेवा दे नशे दे नाल जुड़ के वध तों वध सेवा करके असी खून की जिहड़ी आ रही कमी है उहनूं दूर करिए। जिदा कि सर इतने डॉक्टर्स की टीम बैठी है जो यूथ कोई भी ब्लड देन आता पहला वह ब्लड चैक हों भी किन्ने कि ग्राम है किन्ने ग्राम नहीं तो वह पॉजिटिव भी चैक हों। देखो पहला जो भी डोनर आता उसकी पूरी रिपोर्ट होंगी है उस तो पूरा असं कन्फर्मेशन करते हैं किसी तरह की उन्हें कोई मेडिकेशन ना लिती हो पिछले कुछ टाइम चो बीमार ना हो कोविड की वैक्सीनेशन ना लगी हो चीज़ों का असं खास ख्याल रख रहे हैं। उदो बाद डॉक्टर इंस्पैक्ट करते उन्होंने तो HB चैक किया जाता है और उदू बाद जी ग्रुपिंग है वो जो ब्लड बैंक के ब्लड पहुँच जाता उदू बाद साढ़े को 2 दिन बाद लिस्ट आ जाती है प्रॉपर वो ग्रुपिंग वो आ जाती है। सो असी इस चीज़ का खास ख्याल रख रहे हैं और वैसे भी जिदा कि कोविड की महामारी चल रही है असी मास्क का सैनिटाइजेशन का तो सोशल डिस्टेंसिंग का असी खास ख्याल रख रहे हैं। डोनर ब्लड देने तो बाद अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता डाइट प्रोवाइड कर रहे हो। हाँ जी डोनर जो पहले की गल तो जो डोनर ब्लड डोनेट करता है असी 10 मिनट तक उन्होंने उस डोनेशन बैड पर ही लिटा के रखते हैं उस तो बाद जो बिल्कुल ओके कंडीशन होंगी वो असी उन्होंने उतों उठा के सीधा डोनेशन एरिया लैके जाने जिते रिफ्रैशमेंट है सॉरी जो रिफ्रैशमेंट एरिया लैके जाने रिफ्रैशमेंट तो उ डाइट उस प्रॉपर बनानाज है साढ़े को दुध है लस्सी है पनीर खीर हैगी है साढ़े को सारा कुछ तो असी उन्होंने प्रॉपर रिफ्रैशमेंट देने तो बाद जो बिल्कुल तंदुरुस्त द्वारा फील करता तो असं उदों उन्हें कहने कि हम जा सकते हो। कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी दें डोनर जी? बिल्कुल डोनर असं मेडल्स तो सर्टिफिकेट्स दोनों दे रहे हैं यूथ। हाँ जी बेसिकली हाँ जी इन्हों यूथ एक मोटिवेशन चाहिए होता एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है जो असं उन्होंने कुछ अवार्ड दें कुछ सम्मानित करते हैं और वैसे भी असली हकदार यही ने क्योंकि इन्हों करके साढ़े को महामारी भी आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो असली हकदार यही ने सो इन्हों मेडल तो सर्टिफिकेट्स ना असं सम्मानित कर रहे हैं। जी डॉक्टर की टीम कितों कितों सहयोग दे रही कि हॉस्पिटल आए हुए हैं? साढ़े नाल सिविल हॉस्पिटल लुधियाना रघुनाथ हॉस्पिटल लुधियाना तो टीम्स आई हैं। ठीक है, ये कैंप किन्ने तो किन्ने बजे तक चलाओगे? ये कैंप असी सवेरे 9 बजे शुरू किया 4 बजे तक चलेगा जी। ठीक है, अज की जिहड़ी यंग जनरेशन है थोड़ी उन्होंने की अपील है? मान लो अज की जो जनरेशन है यूथ आप देख रहे हैं भी गलत लाइन पर ज़्यादा जी यूथ में यही अपील है कि नशे त्यागो
शराब होर जिहड़े गंदे नशे उन्होंने त्यागो तो साढ़े नाल आ के सेवा दे राह ते चलो क्योंकि सानू यूथ की ज़्यादा लोड़ है, यूथ ज़्यादा तो ज़्यादा ब्लड डोनेट कर सकता। सो असी यूथ में यही अपील करते हैं कि साढ़े नाल आओ तो जुड़ो। तो मैं थोड़े माध्यम नाल लोगों को एक होर COVID-19 दे थोड़ा जिहा प्रति जागरूक करना चाहुंदा कि लोगों नू कोशिश है कि जदों तुहानू कोई बहुत ज़्यादा जरूरी काम नहीं है तो घरों बाहर ना निकलो। जदों कि तुहाडे कोई बहुत एमरजेंसी है, लाइक कोई मेडिकल एमरजेंसी हो जाती है, सिर्फ उदों ही घरों के बाहर निकलो। राशन पानी दे घट नाल चल सकदा, आपां घट खा के भी सार सकते हैं, पर जे सेहत खराब हो गई फिर मुड़ के बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगियां। बाहरला खाना अवॉइड करो, ना असीं होम डिलीवरीज कराइए, तो कोशिश करो अपने सेफ रहो। जे तुसीं बाहर निकलना भी पै रहा तुहानू किसी वजह करके या तुसीं कोई फ्रंटलाइन ऑफिसर हो तो अपना मास्क पा के रखो, घर दे विच भी अपने हाथ नूं बार बार धो, सैनिटाइज़ करते रहो और एक दूजे तो परहेज़ करो कि अपने अपनी क्लोज़ रिश्तेदारी भी ना जाइए ताकि इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि यह वायरस है जिहड़ा एक दूजे तो ही फैल रहा है। तो कोशिश करांगे जिन्ना आपां अपने घर के अंदर सेफ रहांगे उन्ना वायरस घट फैलेगा और असी इस महामारी तो उन्ने जल्दी निजात पा सकते हैं। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। तो ये थे आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे, एकता को दीजिए इजाज़त। जय जिनेन्द्र।